अब हम यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को सीखने जा रहे हैं। अब आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, वो अपनी वीडियोज में इफेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पार्ट में वो अच्छा खासा इफेक्ट को यूज कर लेते हैं। एंड्रॉयड या फिर आईफोन दोनों में काइनमास्टर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक यूट्यूब की वीडियोज को बनाते हो। और आपको तो ये बात अच्छे से पता होगा कि जितना बेहतर काम आप काइनमास्टर से आप कर लोगे, आप कंप्यूटर से भी शायद उतना कम समय में आप उससे बेहतर काम नहीं कर पाओगे। और मैं ये कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल का काम और कंप्यूटर पे यानी कि पीसी पे यदि आप वीडियो एडिट करते हो तो कौन सा बेटर रिजल्ट देगा। ये हर बंदा जानता है कि पीसी पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं और उसमें जो रेंडरिंग होती है वो बहुत अच्छा हो सकती है। जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी आप उतने अच्छे से वीडियो को एडिट कर पाओगे। लेकिन मोबाइल फ़ोन के लिए जहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम में अपने वीडियो को एडिट करना होता है और चूँकि मोबाइल हैंडी होता है इसलिए मैक्सिमम लोग चाहे वो किसी भी iOS के या फिर एंड्रॉयड के यूज़र हो वो काइनमास्टर को ही प्रेफर करते हैं और अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके उसी से अपने यूट्यूब वीडियोज को या फिर इंस्टाग्राम रील्स को या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वो अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 काइनमास्टर के हिडन टिप्स बताएंगे जिसको जानने के बाद आपकी काइनमास्टर की जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी एडिटिंग स्किल में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने सीधे मोबाइल के स्क्रीन पे बिना आपके समय को बर्बाद किए। तो हम अभी अपने मोबाइल में काइनमास्टर को ओपन करेंगे जैसा कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू में भी जा सकते हो। तो उसके बाद हम हमें डायरेक्ट यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाया हुआ उसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नो कॉपीराइटेड वीडियो को यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें ही हम आपको एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो अब आपको यहीं पे जो भी मैं सिखाऊं उसे आपको ध्यान से देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यदि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको उसके कलर को या ब्राइटनेस को आपको यदि कलर ग्रेडिंग करनी है तो उसके हिसाब से आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी अपने वीडियोज में कलर ग्रेडिंग करने नहीं आती है। तो सबसे पहला है हम यहाँ पर इसे कलर ग्रेड करने के लिए जो भी पार्ट आपको यहाँ पर कलर ग्रेड में चेंज करना है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करो और उसके बाद आप हल्का सा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 वाले ऑप्शन पे दिख रहा है। तो आप एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप इसके ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको सिनेमेटिक लुक देखना है तो आप इसे थोड़ा सा कम करेंगे, लगभग -5 से लेकर -10 तक आप जा सकते हो जिससे आपके सिनेमेटिक लुक के जो आपको फीचर है वो देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आप इसे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा हाई कर सकोगे तो ये आपका पूरी तरह से थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक आपको देखने को मिलेगा। सिचुएशन को आप यहाँ पर एज पर डिमांड आप इसे चेंज या कम ज़्यादा कर सकते हो। आप जैसा कि देख सकते हैं इसे आपको यहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलेंगे अपने वीडियोज में सिनेमैटिक आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो यदि अभी तक आप नहीं करते थे तो अब इसका जब आप इस्तेमाल करोगे आपकी वीडियो की इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका वीडियो थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये था पहला ट्रिक। अब जो दूसरा हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने वीडियोज में आप जब भी कुछ बोलते हैं, जब आपका टेक्स्ट सामने आता है तो आप उसमें ब्लर के साथ साथ अपने टेक्स्ट को ऊपर कैसे रखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये एक फाइल है और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देता हूँ जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है। तो सिंपली आप इस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम एंड स्प्लिट में जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस पार्ट को यहाँ पे हम सेपरेट काट लेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में चले जाना है और लेयर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, फिर इफेक्ट जो कि नंबर 2 पे है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सबसे लास्ट में आपको दिखेगा एक बेसिक इफेक्ट। जब आप इसे यहाँ पर क्लिक करोगे और इसे आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है गॉसियन ब्लर आप इसे यहाँ पे क्लिक कर लो। अब ये जो आपका यहाँ पे पार्टीशन यहाँ पे आ जाएगा, अब इसे आपको करना क्या है कि इसे आपको टोटल पार्ट में आपको इस तरह से लगा देना है और उसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। सिंपली आप ब्लर वाले को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे इस तरह से आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा और इसे आप कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हो और उसके बाद आप इसे ओके कर दो। अब आप देख सकते हो आपका ये जो पार्ट है इसमें आप अपने पार्ट के हिसाब से इसे आप कम ज़्यादा कर लो। अब आपकी ये जो वीडियो की जो पार्ट है ये पूरी तरह से आपकी ब्लर हो गई है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट को लगाना है तो सिंपली लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी लिखना है आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। अब इसे आप ओके करोगे, अब आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से लिख लेना है
और इसे आप अपने हिसाब से इसके फॉन्ट वगैरह इसके कलर को आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो जो मुझे पसंद है उसे मैं यहां पे आपको चेंज करके दिखा देता हूं। अब इसके बाद आप इसके कलर को भी आपको जैसा लगे वैसा कलर आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आप चाहोगे कि आपके ये जो टेक्स्ट जब आपकी आती है तो इसमें थोड़ा सा आपको इफेक्ट भी देखने को मिले, तो आप इसमें ओवरऑल जो एनिमेशन या फिर इन एनिमेशन आप यहां से जाके इसे आप चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप इसे ओके कर सकते हो। अब आप ये भी चाहोगे कि यहाँ पे अब आपको जो मैं दूसरा ऑप्शन सिखा रहा हूँ कि अब आपको यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट भी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑडियो वाले पे जाओ और यहाँ से आप किसी भी एक ऑडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने पहले से ही कोई ऑडियो फाइल डाउनलोड की हुई है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ से जो एक वूस का साउंड है मैं इसे यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इसे आप देख सकते हैं, मैं इसे फाइनली अब प्ले कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये इस तरह का इफेक्ट था। तो हमने यहाँ पे अभी तक दो चीज़ें सीख ली हैं, अब हम यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को सीखने जा रहे हैं। अब आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे वो अपनी वीडियोज़ में इफेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पार्ट में वो अच्छा खासा इफेक्ट को यूज कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ भी उस चीज़ को करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे मैं किसी और फाइल में यहाँ पे चलता हूँ और इस वाले वीडियो फाइल को मैं यहाँ पे हल्का काट देता हूँ यानी कि स्प्लिट कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा छोटा फाइल है इसे हम यहाँ पे अब आपको उस इफेक्ट को लगा के दिखाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको यहाँ लेयर पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है और उसके बाद आप यहां से मल्टीपल इफेक्ट्स यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने इस वीडियो में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे कोई भी एक ऐसा करके दिखाता हूं। अब सिंपली आप इसे करेंगे क्या कि आपको जो यहां पे पसंद आ रहा है उसे आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यदि यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक जो फाइल है वो यहाँ पर किस तरह से होने लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाने से हल्का सा पार्ट हमारा यहाँ पे डिस्टॉर्टेड हो जाता है और लोग इस तरह के इफेक्ट को अपने वीडियोज में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हल्का जूम वाला इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे अगले जो पॉइंट की तरफ आपको लेके चल रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगाते हैं जिससे कि हो सकता है कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे या फिर आपको इसका इस्तेमाल पड़ सकता है यदि आप वॉइस ओवर का काम करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं उसे अपनी आवाज़ में। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसे स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे अपनी आवाज़ में एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिन्हा है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और इसे स्टॉप कर देंगे। अब इसके बाद जितने पार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है उतने पार्ट को आप यहाँ पे कट कर दो यानी कि उसे आप ट्रिम कर लो और स्टार्टिंग में भी आप हल्का इसे ट्रिम कर सकते हो। अब उसके बाद आपको ये जो ऑडियो फाइल है ये आपके काम की फाइल है। तो अब आपको करना क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ एनिमेशन वॉइस ओवर करते हैं, एनिमेशन वीडियोज़ बनाते हैं या कॉमेडी के फनी वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसमें वो नहीं चाहते कि उनकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो उसमें रिकॉर्ड हो, वो उसमें हल्का चेंजेस करना चाहते हैं जैसे पिच का कम करना, पिच का लो करना, इको लगाना या इस तरह के और भी काम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली इस वॉइस ऑडियो को यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जाना है हल्का सा नीचे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉइस चेंजर नंबर 6 पे, आप देख सकते हैं इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप बच्चे की आवाज़ को भी कर सकते हो चेंज। सिन्हा है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। आपने देखा इस आवाज़ को मैं इस तरह से अपने आवाज़ को चेंज कर पाया। तो आप भी यहाँ से बहुत सारे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी में भी आप अपने आवाज़ को चेंज कर सकते हैं और कोई भी अगला आदमी ये पकड़ नहीं पाएगा कि ये आवाज़ किसकी है। अब जो अगला हमारे पास काइनमास्टर का जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो उससे सिखाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि इन दोनों को आप स्टार्ट कर देंगे। जब दोनों को स्टार्ट करेंगे तो नीचे में आपको एक सेकंड का टाइमर भी देखने को मिलेगा, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसे 0.5 पे आप इसे रख दो और इससे आपकी जो वीडियो है जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी या एंड होगी तो वहाँ आपको एक सिनेमेटिक लुक देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसे करके दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पे लास्ट में भी देख सकते हैं। आपको लास्ट में जब मैं इसे जब ये वीडियो लास्ट होगी तो आपको एक डार्क इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी वीडियो में कान मास्टर के इन पांचों ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को एक सिनेमैटिक लुक देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से दोस्तों कुछ भी देखने और सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।